लीजिए भक्तों, मैं आपको पांचवा पाठ बताता हूँ आपको कि आप ग्रह से परेशान है, दुखी है और आपकी ऑफिस नहीं चल रही है, आप उससे परेशान है, आपके घर में कलेशबाजी है, आपको मंगल का दोष है, आप राहु केतु का दोष है, जो कि आप सब कुछ से परेशान है। तो मैं आपको एक काम आज बताऊंगा जिसमें पांच काम होगा और दावे के साथ बताता हूँ आपने उसका प्रयोग किया था और हजारों हमारे कमेंट बॉक्स में आया कि मेरा काम सफल हो गया। मैं आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूँ, दुर्लभ चीज के बारे में बता रहा हूँ, जो कि 80% लोगों को भारत में जानकारी नहीं है कि वह है क्या चीज और उससे क्या होता है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपको आश्चर्य होगी, आप चकित हो जाएंगे कि क्या इतने सी चीज से इतना प्रयोग हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। हाँ भक्तों, अवश्य होगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा दुनिया में। विश्वास अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है और विश्वास पे ही दुनिया टिका हुआ है, मैं यह आपको साफ कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि ये जो हमारे मोबाइल है इस पे कम से कम देश और विदेश के ऐसे हजारों लेडीज है जो 50 बार फोन करती है और परेशान करती है, इसलिए मैं जो है कभी कभी फोन बंद कर देता हूँ, फोन नहीं उठाता हूँ। कारण ये है कि जो ज्यादा होशियारी दिखाता है कोई भी हो ना, उसका मैं फोन नहीं उठाता हूँ। और क्योंकि हमें एक आदमी से बात करने का समय नहीं है, सभी का सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, सभी का सेवा करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बताया हूँ कि 50 बार फोन करिएगा तो ना फोन उठाऊंगा ना जवाब दूंगा और ना गलत काम करवाने के लिए हमें फोन करें तो मैं आपको उल्टा ही कर दूंगा गलत। ये भी मैं बता देता हूँ, गलत काम करने के लिए मुझे आप फोन ना करें, क्योंकि हम ज्योतिष हैं, कामाख्या ज्योतिष हैं, हम सभी के समाज में भला चाहते हैं, राष्ट्र की भला चाहते हैं, समाज की भला चाहते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लालच उसको है जो पैसा लेता है, उसको लालच है कि आपका 20 बार या 50 बार फोन उठाएगा, आपसे बात करेगा, ना हमें पैसा का लालच है ना आपसे कोई लेना देना है। अगर सही से ढंग से आप हमें फोन करते हैं और मैं बता देता हूँ कि आप इतना समय में फोन करिए तो आप फोन करिए, आपका काम हम अवश्य करेंगे और 100% करेंगे और घंटा 24 घंटे में करेंगे। बार बार फोन करिएगा, बार बार परेशान करिएगा, ना आपका फोन उठाएंगे, ब्लैक लिस्ट में नंबर दे देंगे, ना आपसे बात करेंगे और ना आपका हम काम करेंगे। यह मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आग्रह करता हूँ कि बार बार फोन न करें, अगर फोन करें तो संडे और सैटरडे को ही हमसे बात करें और जो भी समस्या हो मात्र एक बार फोन करके पूछें और मैं जो समय दूँ उस समय से आप फोन करें, अन्यथा आपका फोन काट दिया जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्षमा करना, मैं आपको बोल दिया हूँ। भक्तों, अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ प्रयोग के बारे में। आपने सुना होगा हत्था जोड़ा का नाम, हत्था जोड़ा जो है वह माँ भगवती का जो है अवतार है। हत्था जोड़ा, हत्था जोड़ा जंगलों में, लाखों जंगल में एक दो या चार जो है हत्था जोड़ा उठता है, जिसको शिकारी लोग, जंगली लोग वहां से जमीन से उखाड़ कर लाते हैं। बिना हत्था जोड़ा का काली का पूजा नहीं होता है, दुर्गा का पूजा नहीं होता है, वह काली एवं दुर्गा का अवतार है। हत्था जोड़ा को चामुंडा का अवतार माना गया है और हत्था जोड़ा साक्षात चामुंडा है। भक्तों, आजकल ओरिजिनल बहुत कम मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है जो ये दुष्ट है, जो ये दलाल लोग हैं, ये लकड़ी का बना के बेचने लगा है, उससे काम नहीं होगा। किसी अच्छे पंसारी के दुकान में जाएं या अच्छे शिकारी के पास, जैसे कामाख्या जी है, दारा पीटा है, ओरिजिनल 1000 की 2000 आप अपने एक सरसों के तेल में डाल कर आप और ऐसे जगह रख दीजिए 21 दिन तक कि किसी को मालूम नहीं हो कि कहाँ रखा हुआ है, चाहे आपका घर का आदमी क्यों नहीं हो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए और ना उसे सरसों के तेल में डुबाते टाइम जो है किसी को देखना चाहिए और ना कोई टोक लगाना चाहिए, तब आपका काम खराब हो जाएगा। उसको 21 दिन जो है आप किसी छज्जे पे रख दीजिए, 21वां दिन उसको तेल से निकाल लीजिए और उन हत्था जोड़ा में आप जो है वो चंदन का लेप करिए, उस पर सेंट लगाइए और एक पीढ़ा जो है वो रखिए लकड़ी का उस पर, और 21 दिन तक जो है आप दिया जलाइए, जो जलाइए घी का जो जलाकर, और आप जो है किसी एक मंत्र का मात्र 21 दिन 11 माला जाप करें। ये नहीं कि जो मर्जी आज ये किया कल वो किया, कोई भी दुर्गा का बीज मंत्र एक जो है उसी का 11 माला रोज जाप करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।
या जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते या ओम दुम दुर्गा ये नमः, किसी भी बीज मंत्र से एक बीज मंत्र का 11 माला आप 21 दिन तक रात्रि में लगातार जाप करें, गुलाब का फूल चढ़ाएं उसके सामने और बर्फी का भोग लगाएं और देसी घी का जो जलाएं, 21 दिन के बाद स्वतः ही वह जो है सिद्ध हो जाता है, वह उनमें चामुंडा की शक्ति जो है आ जाती है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर सालुक में लपेटकर आपका जहां काम नहीं बनता हो, जहां परेशानी हो, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे ऑफिस का विवाद हो, चाहे घर का विवाद हो, कहीं भी आप उनको कपड़े में लपेटकर अपने जेब में लेकर जाएं, आपका लाखों काम उससे सिद्ध होगा। हत्था जोड़ा से वो ऐसा चीज है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, माँ भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय माँ कामाख्या।